क्योंकि पर्वों और त्योहारों का प्रदेश छत्तीसगढ़ को माना जाता है और प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में हर रोज कोई न कोई पर्व और त्योहार जरूर मनाया जाता है। प्रदेश में इन दिनों पंचकोशी यात्रा चल रही है और पंचकोशी पद यात्रा का प्रारंभ और समापन राजिम त्रिवेणी संगम के बीचों बीच स्थित कुलेश्वर मंदिर में पूजा पाठ से होता है। मान्यता तो यह है कि लोग किसी कारणवश बद्रीनाथ केदारनाथ चार धाम यात्रा पर नहीं जा सकते, वे लोग इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं और उन्हें उस यात्रा का फल प्राप्त होता है। 5 दिन चलने वाली इस पंचकोशी पद यात्रा में श्रद्धालु 25 कोस पैदल चलकर 5 पड़ावों में 5 शिवलिंगों के दर्शन करते हैं। यात्रा है और मुला ये साल है 7 साल हुई से पंचकोशी धाम आ तो बहुत लाभ है पैदल यात्रा में। पंचकोशी ऐसा पावन धाम है कि पैसा लागे कौड़ी राम फोकट में भज ले सीताराम फोकट में धाम होते और सबके मनोकाम पूरा करते भगवान। हम ये छत्तीसगढ़ के आदमी पैदल यात्रा नहीं समझे पैसा लग सिरवाए पर जहाँ नहीं तहाँ जाते। बहुत श्रद्धालु है गांव का भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं। यहाँ का श्रद्धालु यहाँ तक 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के दूर दूर के आदमी आते हैं और पंचकोशी का यात्रा करते हैं। धर्म यात्रा है और सनातन से चला आ रहा है तो इस यात्रा में वर्ग भेद जाति भेद लिंग भेद का विधान नहीं है क्योंकि भगवान शिव जी सबके हैं। और इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिव जी की यात्रा में लोग श्री राम को उद्घोष करते हुए सीताराम जय राम ऐसा बोलते हुए निकलते हैं। रहा सवाल यात्रियों की संख्या की तो कभी 6,000-7,000 के लगभग आसपास मिली करता हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। यहाँ पे महेश्वर में महामृत्युंजय की रथ यात्रा